तो कल सुबह मैं निकल रहा हूँ शहरी कल के ऑल जापान टूर के लिए, और ये मैंने अपनी गाड़ी प्रिपेयर की है। तो गाड़ी में जो है अंदर सोने का सेटअप भी मैंने लगाया है, और उसके साथ उसके अलावा मैंने कैंप भी उठाया है। तो गाड़ी में सोना चाहूँ तो गाड़ी में भी सोया जा सकता है, और अगर बाहर में कैंपिंग करना चाहूँ तो कैंपिंग भी की जा सकती है। ये मैंने उठाया पानी, और बाकी कुकिंग वगैरह का सारा सेटअप मैंने उठाया। और ये चीज़ें मैंने प्रिंट करवाई हैं, ये मैं गाड़ी में बाहर लगा दूंगा इस तरह पूरे टूर के दौरान। अभी आजकल हो चुका हूँ मैं बेरोज़गार, उसी वजह यह है कि मेरी जो जॉब स्टार्ट होगी जो टोक्यो यूनिवर्सिटी में वो होगी 15 अप्रैल से, तो इसलिए मुझे अभी टाइम है। मेरी जॉब स्टार्ट होने में अभी 10 दिन पड़े हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि तकरीबन 6-7 दिन के लिए निकला जाए एक टूर पे। तो उसके लिए मैंने अपनी गाड़ी को प्रिपेयर किया है, एक इसको सारी सी सीटों को गिरा के मैंने इसको कैंपिंग कार कर दिया है। और मैं जाऊँगा पहले यहाँ से, पहला जो मेरा स्टॉप होगा वो होगा ओसाका में, और ओसाका या कोबे में मैं करूँगा नाइट स्टे। उसके बाद कैंप भी है मेरे पास, अगर गाड़ी में सोना चाहूँ वो ऑप्शन भी है, और आजकल होटल भी ज़्यादा महंगे नहीं है, तो होटल भी 2,000-3,000 में होटल भी मिल जाते होते हैं, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। कोबे के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा ओकायामा में, ओकायामा में मैं एक दिन गुजारूंगा, उसके बाद होगा हिरोशिमा या फिर डायरेक्ट हिरोशिमा जाके और वापसी में ओकायामा में स्टे करूंगा, और फिर वापसी जो रास्ता होगा हिरोशिमा से वो मैं तोतोरी से होते हुए वापस नगोया आऊँगा। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप ऑफ माई लाइफ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर, और मेरे साथ सारा कुकिंग वगैरह का भी सामान है, तो इंशाल्लाह रोज़ी भी रखता रहूँगा और हमारा घूमना फिरना भी होता रहेगा इंशाल्लाह। ये जी आ गया हमारा टेंट यहाँ पे, तो गाड़ी में सोने का भी ऑप्शन है और इसमें सोने का भी ऑप्शन है, तो डबल ऑप्शन। और ये है हमक इसको बोलते हैं, और ये वही होता है जो दो दरख्तों के बीच में जो है बांध के गोरे लोग झूल रहे होते हैं। तो हमने सोचा हमने कौन सा गुनाह किया है, हम भी झूल लेंगे कहीं दरख्तों के बीच में बांध के, तो ये हमने रखा इसको यहाँ पे। और ये जी मैं उठाने लगा साथ में ये चूल्हा अपने साथ, और जहाँ पे भी रास्ते में रुकेंगे कैंपिंग करेंगे तो इसमें इजीली हम कुछ भी कुक कर सकते हैं। और ये चलता है इसमें, ये छोटा सा यहाँ पे एक सिलेंडर डलता है, तो ये मुझे 2-3 और भी लेने पड़ेंगे इनकेस एहतियातन के इनकेस ख़त्म ना हो जाए, तो 2-3 और भी ले के मैं रख लूँगा। तो जी मैं शॉप पर, और ये मेरे यहाँ पर वो पड़े हैं वही वाला गैस का सिलेंडर जो मेरे उसमें लगेगा चूल्हे में, तो इसमें 3 है, तो आई थिंक मोर देन एनफ। अभी ये मैं शॉप पे आया था ये मैं अपने गैस के सिलेंडर लेने, लेकिन इस पर चीज़ें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन किसी दिन स्पेसिफिकली आपको जो है शॉप का हम राउंड लगाएंगे, क्योंकि इस तरह अभी मैं खुद जल्दी में हूँ, बहुत सारी चीज़ों की सेटिंग करनी है। तो ये हार्डवेयर की बहुत ही फेमस शॉप है जापान में, और तकरीबन के पास हर चीज़ अवेलेबल होती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होती है इनके पास। अब मैं ले जाता हूँ गाड़ियों के सेक्शन में, ये है वर्करों का सेक्शन, पहले वर्करों का सेक्शन देखते हैं फिर गाड़ियों के सेक्शन में। ये मतलब उनके वर्करों की ड्रेसेस, सेफ्टी वाले शूज़, ये सेफ्टी के शूज़ हैं, और जिस रेट आप खुद देख रहे हो इसको गूगल पे लिखोगे 2728, लिखोगे गूगल पे 2728 येन टू PKR, PKR मतलब पाकिस्तानी रुपीज़, तो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में खुद ही आ जाएगा, मुझे हर उस पर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो उसको चेक। ये ग्लव्स हैं इधर, ये हम आ गए हैं कार वाले सेक्शन में, जिससे गाड़ी के जो है ऑयल, इंजन ऑयल, ये गाड़ी में फ्रेग्रेंस वगैरह, खुशबू वगैरह के लिए जो है
काफ़ी मोस्टली वही चीज़ें हैं सारी। एक इस ये सेक्शन पुरानी का ही है, ये चार्जिंग पोर्ट वगैरह है। ये गिलास हैं और गिलास होल्डर वगैरह हैं। तो चलें फिर कभी आएंगे इस शॉप पे, आपको हर चीज़ डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी शॉप है और इतना क्विकली इसको कवर नहीं किया जा सकता।